वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी और आप अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप LIC हाउसिंग फाइनेंस की EMI को 3 मंथ के लिए आप आगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि ये फैसिलिटी आपको मिले, आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू इसको पे करना चाहते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे आप पे कर सकते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला तो मॉरिटेम को नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कैसे हमें फॉरवर्ड करना है, और सेकंड चीज़ ये कि अगर इस सर्विस का मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है। तो आई होप सो आपको वीडियो कहीं ना कहीं समझ में आएगा, चीज़ें भी समझ में आएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर लेके चलता हूँ LIC की, कि LIC ने मॉरिटर्म के लिए क्या आप टर्म्स एंड कंडीशंस रख रखे हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ऑफिशियली वेबसाइट उनकी, और यहाँ से देखिए न्यूज इवेंट पे हम लोग जाएंगे तो फर्स्ट वाले को हमको क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आप फ्रेंड, EMI रिलीफ अंडर COVID-19 मेजर्स, हम लोग इनके फ्रेंकवेटली आज क्वेश्चन पे भी क्लिक कर देते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले चीज में ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो यू विल कंटिन्यू पे यूर रेगुलर EMI। अगर देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, NBFC जो बैंक की थी उन्होंने कंटिन्यू इसको स्टार्ट किया आपके नंबर पर, आपको आउट होना था इससे, मगर LIC यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप चाहते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं तभी आप इसमें एंट्री कीजिए। अगर आप इस सर्विस का लाभ चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ का आपके अकाउंट से पैसा ना कटे और आपके पास जो कैश की प्रॉब्लम से, जो फंड की प्रॉब्लम से, वो कुछ समय के लिए आपको उसमें रिलीफ मिले, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज यू विल कंटिन्यू पे यूर रेगुलर EMI। अगर इनकेस आपके अकाउंट से आपकी EMI नहीं कटती है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। काफ़ी कुछ क्लाइंटों के साथ में ये फेस करने को मिल रहा है, वो एक्सिस में अकाउंट है, HDFC में अकाउंट है, कि उनकी 7-9 तारीख की EMI जो है उन्होंने अकाउंट में रख दी थी, बट वो किसी रीजन से अभी तक वो अमाउंट उनके अकाउंट से कटा नहीं है। यू डोंट वरी, अगर वो कटता है तो ठीक, अदरवाइज उसे आप पे कर सकते हैं। अगर इस बीच अगर आपको कोई अमाउंट रहता है, डिले चार्ज बनता है, तो बिल्कुल आप इससे बैंक पे बात कर सकते हैं। LIC भी इस चीज़ के लिए आपका पूरा सपोर्ट करेगा कि आपने आपके अकाउंट में अमाउंट रख रखा बट अभी तक वो डिडक्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए LIC एग्री करेगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत पालिए कि अभी तक मैंने पे कर दिया है और अभी तक मुझे सामने से रिसिप्ट भी नहीं मिला, ना मेरा लोन अकाउंट में अमाउंट एड हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स। आपको पता है कि थोड़ा सा डिले होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए, ये तो हो गई बात उनके लिए कि जो चाहते हैं कि मैं इस बेनिफिट का नाम ना ले पाऊँ और मुझे कंटिन्यू पे करने का मौका मिले, तो वो कंटिन्यू अपनी EMI पे कर सकता है फ्रेंड्स। बट जो लोग चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है, इज द मॉरिटोरियम कंपल्सरी और ऑप्शनल, इट इज़ ऑप्शनल एंड नॉट ए कंपल्सरी। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको EMI के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, थर्ड नंबर पर एक क्लिक हियर टू गिव कंसेंट, प्लीज क्लिक हियर। अब फ्रेंड्स, मेरे पास तो इसका लोन अमाउंट है नहीं, फिर भी मैं आपको छोटी सी प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पर आपका लोन नंबर डालना है और इस कैप्चर को यहाँ पर एंटर करना है, फिर सबमिट करना है। आप सबमिट करेंगे, इसके बाद एक पेज और ओपन होगा। इस पेज के अंदर फ्रेंड्स, सपोज जैसा इतना बड़ा आपका कॉलम मिला है ना, सेकंड कॉलम भी नीचे इतने बड़ा मिलेगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर यहाँ आएगा और OTP आपका यहाँ आएगा। OTP आपने सबमिट कर दिया, आपका लोन अकाउंट से ये अकाउंट फेच हो गया। अब आपने यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया, उससे OTP डाल दिया, और भी कन्फर्मेशन हो गया। थर्ड नंबर पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, आई एग्री, उन्हें आपको सेलेक्ट करना है, उनको टिक करना है और सबमिट कर देना। इससे ये प्रॉपर तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, अगर मेरे पास लोन होता तो मैं लाइव आपको दिखा देता, बट यू डोंट वरी, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट्स बन रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। ठीक फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताएं आप, अगर आप एग्री रहते हैं इस सर्विस के लिए, मॉरिटर्म के लिए, तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज आप कंटिन्यू EMI पे कर सकते हैं। ये LIC ने ऑप्शनली सर्विसेज रखी। ठीक फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।